नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने चैनल देखे सीखे पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप सभी के लिए कमाल का एंड्रॉयड लॉन्चर, जिसे देख के दोस्तों काफ़ी मज़ा आएगा, आपके मोबाइल में यूज़ करने में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में मैं बता देता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से इंस्टॉल करना है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं देखे सीखे। दोस्तों आपको चले जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और वहां से सर्च कर लेना है दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन। आप आइकन में देख रहे होंगे दोस्तों यहां पे इस तरह का कुछ इसका आइकन है। इसका नाम है स्नैपी लॉन्चर 2019 हाई टच लॉन्चर थीम। दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद से आपको सिंपल सा इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपको कुछ परमिशन अलाउ करने को कहेगा दोस्तों तो आप उसे यहाँ से परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। मैंने पहले से इसे अलाउ किया हुआ है। दोस्तों आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एम और पीएम का टाइम दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पे होम लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को दिख जाएगा बैटरी परसेंटेज। यहाँ पे आपको मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टैप करके सीधे आप चले जाएंगे अपने मैसेज में और वहाँ से दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब का आइकन है। जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपका यूट्यूब ऐप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायलर पैड पे चले जाएंगे। किसी को भी फ़ोन करने के लिए वहाँ से आप नंबर डायल कर सकते हैं। यहाँ पर मेल का ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल ओपन होगा। और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपकी मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की है दोस्तों, यहाँ पर आप ब्लूटूथ यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई यहाँ से ही इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है एरोप्लेन मोड, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जी बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों डायरेक्ट आपके मोबाइल में गूगल ओपन हो जाएगा वॉइस सर्च वाला। दोस्तों यहाँ पर नीचे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर आपको एयर डेट मंथ और डे भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप चले जाएंगे अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों होम वाला बटन पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे होम पे। यहाँ पे आप म्यूज़िक वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप चले जाएंगे यहाँ पर म्यूज़िक में, यहाँ पर म्यूज़िक प्ले होगा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह आपको दिखेगा, यहाँ पे डे वाइज टेम्परेचर वगैरह आपको दिख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे एक बार यूज़ करिएगा, फिर यूज़ करके हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को ये कैसे लगे। यहाँ पर सारी वेदर की ऑप्शन आप सभी को दिख जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका सारा थीम कलर बैकग्राउंड वगैरह हिडन ऐप लॉन्चर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे थीम कलर पे क्लिक करके रेड वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों रेड में भी काफ़ी कमाल का और काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके दोस्तों आप अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए यू वाला। तो देख सकते दोस्तों इस तरह का भी आप इसका बैकग्राउंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कमाल का दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे वेदर में, यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे लोकेशन वाला आइकन है, उस पर क्लिक करके अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप टैप करेंगे दोस्तों तो आपका लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर वगैरह सब दिखाई देगा। यहाँ पर चेन सिटी भी कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर चेन सिटी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सर्च वाला जो आइकन है चेन सिटी के नीचे, वहाँ सर्च पर आप अपना सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर मुंबई टाइप कर देता हूँ, उसके बाद से चेक सिटी पे कर देंगे क्लिक। और उसके बाद से यहाँ से आपको पूछेगा मुंबई इज़ दिस करेक्ट, तो आपको करना है एस, मतलब आपका जो भी सिटी होगा वो आपको इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे सेल्सियस, मैं यहाँ पे सेल्सियस ही सिलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं चला जाऊँगा बैक, तो यहाँ पे मेरा सिटी भी दिखाएगा और उस सिटी का टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखाएगा। तो देखते हैं दोस्तों हाल फिलहाल मेरा 13 सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर है। और यहाँ से डे वाइज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ट्यूसडे को कितना है, वेनसडे को कितना रहेगा, थर्सडे को कितना रहेगा, फ्राइडे को कितना रहेगा, सैटरडे को कितना रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना टेम्परेचर देख सकते हैं, यहाँ से इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके आप वही सेटिंग कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को करें लाइक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।